दोस्तों देख लो यार कितनी सर्दी में यहाँ पे आपके लिए यार वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो इसलिए यार अपनी सपोर्ट जो है वो पूरी दे देना, वीडियो को जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ये है मेरे पास में Vivo U20 जिसकी ऑलरेडी आपको अनबॉक्सिंग दिखा चुका हूँ, और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका फुल कैमरा रिव्यू बताने जा रहा हूँ। आपको बता दूँ रियर वाली साइड आपको यहाँ पे जो है तीन कैमरास देखने को मिलते हैं। प्राइमरी जो है वो 16 मेगापिक्सल सेंसर है जो कि सोनी का IMX499 सेंसर है। उसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे जो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस वाला कैमरा देखने को मिलता है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस वाला कैमरा देखने को मिलता है। बात करें अगर फ्रंट कैमरा की तो फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है जिसमें अपर्चर जो है F2.0 देखने को मिलता है। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से यार शुरू करते हैं इसका फुल कैमरा रिव्यू, और वीडियो अच्छी लगे तो यार जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं कुछ नॉर्मल कंडीशन में जो फोटोज हमने क्लिक करी है। यहाँ पे आपको जो कलर्स हैं वो नेचुरल मिलते हैं, डायनेमिक रेंज जो है वो काफी अच्छी देखने को मिलती है, साथ ही साथ यहाँ पे जो कलर रिप्रोडक्शन है वो भी आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे जो प्राइमरी कैमरा है 16 मेगापिक्सल का जो है वो देखने को मिलता है, तो काफी अच्छी फोटो जो है वो क्लिक कर लेता है अगर जो है इसके प्राइस पॉइंट को भी ध्यान में रखा जाए तो। ये कुछ सैंपल्स भी आप देख सकते हैं जो मैंने नॉर्मल कंडीशन में क्लिक किए हैं। अब एक स्लो मोशन सैंपल का भी जो है वो आनंद लीजिए, स्लो मोशन वीडियो सैंपल का। फ्रेंड्स ये रियर कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ Vivo U20 के, 60 FPS में रिकॉर्डिंग हो रही है फुल HD में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसी आपको क्लैरिटी, कैसी क्वालिटी जो है मिल जाती है वीडियो में। थोड़ा फास्ट आपको चल के दिखाता हूँ। अब दोस्तों आपको दिखाता हूँ नॉर्मल फोटो और फिर वाइड एंगल फोटो जो है वो कितना यहाँ पे जो है डिफरेंस देखने को मिलता है। आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे जो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो है वो देखने को मिलता है जिसमें आपको 120 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कुछ नॉर्मल और वाइड एंगल सैंपल्स आपको दिखा रहा हूँ, और साथ ही साथ आपको बता दूं कि वाइड एंगल में आपको जो कलर रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है वो भी काफ़ी अच्छी मिलती है। दोस्तों नॉर्मल मोड में ऐसे वीडियो आती है, और अगर मैं आपको वाइड एंगल करके दिखाऊं, वाइड एंगल में, अल्ट्रा वाइड एंगल में ऐसी कुछ वीडियो आती है। अब जरा आनंद लीजिए कुछ अच्छे अच्छे मैक्रो शॉट्स का जो मैंने Vivo U20 से दोस्तों क्लिक किए हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस कैमरा देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर आपने मैक्रो लेंस में जो है फोटो क्लिक करनी है तो बिल्कुल आपको जो है उस ऑब्जेक्ट के पास में लेके जाना पड़ेगा, फोन बिल्कुल ही नज़दीक लेके जाना पड़ेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे फोटोज तो अच्छी आती हैं बट कुछ कुछ फोटोज हैं जिसमें जो है कलर जो है वो वॉश्ड आउट हो जाते हैं। बट यहाँ पे दोस्तों आप देखें काफ़ी अच्छे अच्छे सैंपल्स आए हैं Vivo U20 के मैक्रो लेंस वाले कैमरा से। कुछ सेल्फी सैंपल्स आपको दिखाता हूँ Vivo U20 से जो क्लिक किए हैं। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि इसमें आपको जो है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है जिसमें आपको अपर्चर जो है F2.0 का देखने को मिलता है। यहाँ पे सेल्फीज जो है वो काफ़ी अच्छी क्लिक करी हैं 16 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा ने, स्किन टोन जो है वो काफ़ी अच्छी आती है। बट यहाँ पे यार कुछ कई फोटोज़ में ऐसे लगता है कि ब्यूटी मोड इसने जो है वो ऑटोमेटिकली जैसे अप्लाई कर दिया। बट एनीवेज यहाँ पे जो सेल्फीज इसकी आई मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बट फिर भी इसका जो फाइनल डिसीजन है मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप बताइए कि इसमें जो सेल्फीज अभी जो आप देख रहे हो वो आपको कैसी लगी दोस्तों। फ्रेंड्स ये फ्रंट कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ Vivo U20 की। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसी आपको ओवरऑल क्लैरिटी देखने को मिलती है Vivo U20 में, और अगर लाइटिंग कंडीशन की बात करें तो ऑलमोस्ट शाम जो है वो होने वाली है। अब कुछ इंडोर सैंपल्स आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडोर में जितनी भी फोटो मैंने क्लिक करी है कलर्स बिल्कुल नेचुरल आए हैं, डिटेलिंग भी आपको अच्छी यहाँ पे देखने को मिलती है, साथ ही साथ यहाँ पे क्लैरिटी जो है वो काफ़ी अच्छी आई है दोस्तों इंडोर फोटोज़ की। बस एक ही शर्त है, यहाँ पे लाइटिंग कंडीशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए अगर आप इंडोर में फोटोज क्लिक करते हैं।
अब अगर बात करें पोर्ट्रेट शॉट्स की, तो यहाँ पे पोर्ट्रेट शॉट्स भी अच्छे आते हैं। एच डिटेक्शन जो है वो ओके है, कई फोटोज में तो एच डिटेक्शन ठीक है, बट किसी में यहाँ पे जो है वो एजेस जो है वो ब्लर हो जाते हैं ज्यादा ही कुछ। बात करें अगर नाइट मोड की, तो नाइट मोड में भी अगर लाइटिंग थोड़ी बहुत जो है वो ठीक है तो फोटोज तो अच्छी आ जाएंगी, बट लाइटिंग अगर कम है तो यहाँ पे नॉइज या ग्रेन जो है वो ज़्यादा आपको यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे जैसे कि एक नाइट मोड है तो उसमें जो है वो नॉर्मल फोटोज से जो है वो ज़्यादा जो है थोड़ी अच्छी क्लैरिटी और अच्छी शार्पनेस जो है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे कुछ फोटो सैंपल्स आपको दिखा रहा हूँ नॉर्मल मोड और फिर जो है वो नाइट मोड के साथ जो है वो क्लिक किए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीवो यू 20 में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पूरी यहाँ पे जो है नाइट कंडीशन है और लाइटिंग काफ़ी कम है। फ्रेंड्स, ये फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीवो यू 20 में, और यहाँ पे जो है आप लाइटिंग देख सकते हैं बिल्कुल ना के बराबर है। बस यहाँ पे जो है एक लाइट लगी हुई है, स्ट्रीट लाइट, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो ऐसे यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगी है। तो अगर मतलब कि लाइटिंग कंडीशन अच्छी हो तो वीडियो क्वालिटी अच्छी आती है वीवो यू 20 में, और जैसे ही हम जो है लाइटिंग के अपोजिट जाएँ तो वीडियो क्वालिटी थोड़ी बहुत जो है यहाँ पे जो है वो नॉइज़ आनी स्टार्ट हो जाती है। बट फिर भी यार काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे जो फ्रंट कैमरा वीवो यू 20 का। आप देख के बताइएगा कैसी आपको जो है वो क्वालिटी इसमें देखने को मिलती है। अगर मैं बिल्कुल ही डार्क कंडीशन में दोस्तों चले जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ भी क्लियर नहीं आपको दिखता, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट में जो है आपको स्क्रीन फ्लैश देखने को नहीं मिलती। मैंने देखा कि बिल्कुल डार्क में जो है कुछ भी देखने को नहीं मिलता, थोड़ी बहुत जो है लाइटिंग ज़रूर होनी चाहिए दोस्तों। तो फ्रंट कैमरा में क्वालिटी जो है वो आपको ऐसी मिलती है वीवो यू 20 में। दोस्तों देख लो यार कितनी सर्दी में यहाँ पे आपके लिए यार वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो इसलिए यार अपनी सपोर्ट जो है वो पूरी दे देना, वीडियो को जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो अगर अब सम अप करें इस वीडियो को, तो ओवरऑल मैं ये बोलना चाहूँगा कि बजट लेवल का ये फ़ोन है, उसी हिसाब से इसका जो कैमरा है वो काफ़ी बढ़िया है। आपको काफ़ी सारे फीचर्स जो है इसके कैमरा में देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करने का सपोर्ट, स्लो मोशन वीडियो का सपोर्ट, साथ ही साथ बोके, पोर्ट्रेट मोड, और यार यहाँ पे आपको जो है वो मैक्रो लेंस वाला कैमरा भी देखने को मिलता है, जिसमें आप काफ़ी बढ़िया बढ़िया मैक्रो शॉट्स जो है वो क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अच्छा जो है सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा ओवरऑल आपको काफ़ी डिसेंट फोटोज़ और काफ़ी डिसेंट जो है वीडियोज़ जो है देखने को मिल जाती हैं वीवो यू 20 में। तो यहाँ पे मैं ये फ़ोन जो है आपको रिकमेंड करता हूँ। अगर आपका जो है वो प्राइस ब्रैकेट है वो 10,000 तक का है, तो आप ये फ़ोन जो है वो दोस्तों ले सकते हैं, 10 से 11,000 में आपको ये फ़ोन जो है वो देखने को मिल जाएगा।